अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आप बदतरीन हालात के लिए तैयार रहें। जनाबे सदर, अगर दो एटमी मुल्कों में रिवायती जंग छिड़ जाती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर अपने हमसाये से सात गुना छोटे मुल्क को ये फैसला करना पड़े कि या तो वो हथियार फेंक दे या फिर मौत तक अपनी आजादी के लिए जंग लड़े, हम क्या करेंगे? मैं अपने आप से सवाल करता हूँ। मेरा यकीन है कि अल्लाह एक है और हम जंग करेंगे। Or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear और जब एटमी मुमालिक आखिर तक जंग लड़ते हैं तो इसके नतीजे सरहदों से आगे निकल जाते हैं, इसके दुनिया पर असरात होंगे। यही वजह है कि मैं यहाँ आया हूँ। मैं खबरदार कर रहा हूँ, ये धमकी नहीं, खौफ और परेशानी है। हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं यहाँ अक्वामे मुत्तहिदा को बताने के लिए आया हूँ कि ये आपका इम्तिहान है। आप ही ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया था, वो इस पर अमल दरामद न होने की वजह से मुश्किलात में हैं। एंड दिस इज द टाइम नॉट टू अपीज लाइक इन 1939। ये किसी को खुश करने का वक्त नहीं जैसा कि 1939 में किया गया। ये फौरी कार्रवाई का वक्त है। पहला इकदाम ये कि भारत हर सूरत गैर इंसानी कर्फ्यू का खात्मा करे जो कि 55 दिनों से जारी है। हर सूरत तमाम कैदियों और 13,000 नौजवानों को रिहा करे। वालिदैन को मालूम नहीं उनके बच्चे कहाँ हैं। और फिर आलमी बरादरी हर सूरत कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिलवाए। शुक्रिया। Give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you.